आपके आंखों से भी आंसू निकल जाएगा। आप देख सकते कौन है आप? हम का फैमिली है। अच्छा, हम का भाई है मार दिल के सिर पर शादी बिया में एक बच्चा था हमरे छोटा छोटा बच्चा हमरे कोई ना। कितना बच्चा है? 5 बच्चा एगो होने वाला है। आपको भी मारा? हाँ, बाबू के देह पर सुतरा लेता हमरे ऊपर से मारी सब। हमरा दमाद हमरे पीठ पर सुतले वो का फोड़ दिल के कपार से तो 14 गो टाका है। कुछ आबो तो खेत के बिला दो मार झटा सबके। हम गुंजी गए बाबू। सलाम आदाब, मैं अब्दुल समद, VOS 24 न्यूज़ से। अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी ज़िला के शकरी थाना अंतर्गत सीमा गांव में, और मैं आपको बता दूं, दो भाई आपस में ऐसा लड़ाई होता है, इस हालत में वो व्यक्ति पहुंच चुका है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि उनके 5 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो गरीब मजदूर हैं, और इस हालत में पहुंच गए हैं कि उनका जो है इलाज सिटी हॉस्पिटल में चल रहा था, और काफ़ी खर्चा हो जाने के बावजूद भी डॉक्टर ने उनको कहा है कि इससे अच्छे हॉस्पिटल में उनको ले जाया जाए, तब जा कर के कहीं 10-15 लाख रुपया खर्चा होगा, तब जा कर के उनका इलाज सही से हो सकता है। तो क्या मामला था, कैसे हुआ, ग्रामीण यहाँ पर देख सकते हैं आप मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या आपका नाम हुआ? जी मोहम्मद मुख्तार नाम हुआ हमारा। कौन लगते हैं आप? हमारा साला हुआ। अच्छा जी। क्या मैटर हुआ था? मैटर हुआ यही शादी ब्याह का था, तो बाजा बजाने का मैटर हुआ, जो उसने गाड़ी पकड़ा था कमरू भाई ने, हम उसको आके बोले कि भैया नहीं बजेगा, आपको कौन बोल रहा है बजाने के लिए, कोई माना नहीं कर सकता बजा, इतना बात बोले धो के पिटने लगा हमको। हम लोग दो भाई थे, माते कलाम भाई था। वहाँ पे तो और भी लोग रहे होंगे? जी शादी में बहुत लोग था, शादी था तो शादी में तो आदमी सब रहबे करता है सब चीज़। सदरू भैया भी हमारे बाजू में था, वो भी खा रहे था, सब आदमी था। हम लोग को आया, सब आदमी धो के 10 आदमी से आके पीट दिया, उसके साथ साथ सब था, सब मिल के पीट दिया हम लोग को। तो प्रशासन के पास आप गए थे? जी प्रशासन के पास हम नहीं गए थे, झूठ नहीं कहेंगे। अच्छा। हम सिटी हॉस्पिटल पेशेंट को लेके भागे पहले जी। सबसे पहले तो सिटी हॉस्पिटल में कितना दिन तक इलाज चला? उसमें 1 महीना इलाज चला, 23 तारीख तक इलाज चला। ये जो घटना हुई है वो कब की घटना है? 24 तारीख का घटना है ये। पिछले महीना? जी पिछले महीना का घटना है। तो उनका जो इलाज चला कितना दिन वो हॉस्पिटल में रहे? हॉस्पिटल में कम से कम उसमें इलाज चला उसका 25-30 दिन चला इलाज। तो उनको जो मारा गया है तो सबसे ज्यादा चोट जो है वो कहाँ पे है उनको? उसको ब्रेंड में चोट लगा हुआ, ब्रेंड में मार दिया हुआ है सर। हमारा भी सब वो बातचीत करने की स्थिति में है कि नहीं? जी नहीं, बातचीत करने की स्थिति में नहीं लड़का। जब से मतलब उनको मारा गया कोई बातचीत नहीं कर रहा है? कोई से नहीं, कोई से दुआ सलाम भी नहीं, कुछ इशारों से बात नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। इतना डैमेज है वो? जी इतना डैमेज है पूरा एकदम साफ है, आँख भी नहीं खोल रहा है। फिर उनका इलाज जो हुआ अभी तक खर्चा जो हुआ है हॉस्पिटल में कितना खर्चा हुआ? 5 लाख रुपया तक खर्चा हो चुका हुआ है पूरा उनका। फिर वो तो गरीब है ना जी, तो उनका कैसे ये खर्चा? उसका सब जमीन जथा बेच बाच के भी इलाज करवा चुके हुए हैं, अब वहाँ से लाए हैं तो फिर आप आदमी बोल रहा है 10 लाख रुपया खर्चा होगा सर, उसको तो कहाँ से लाया जाएगा? समाज लोग चंदा बंदा सब कर उड़ के, समाज लोग सपोर्ट होके कर रहा है उसको सर, जो मारा वो भागे हुआ केस भी कर दिया हुआ हमारे लोग पे। तो प्रशासन से और हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मदद चाहिए? मदद यही चाहिए प्रशासन की, उसको जैसे भी जहाँ भी हो उसको अरेस्ट कीजिए पहले, सबसे पहले तभी कोई बात हुआ जाएगा सर। कुछ समाज से तो ये उनके बहनोई साहब थे, उनसे मेरी सारी बात हुई, और यहाँ इस गांव के सरपंच साहब हैं, मैं उनसे ही बात करने की कोशिश करूँगा। क्या हुआ था सर? 24 तारीख को मिलाद की रात की ये घटना है, आपस में दोनों भाई के बीच हुई थी जी। उसके बाद जो है सुपुना उसको कहा गया कि आपस में बैठ करके मैटर क्लियर कीजिए। 25 तारीख को उन्हें आवेदन दे दिया सकरी थाना में, वही खुद आवेदन दे दिया सकरी थाना में, तो इनको पुनः भी फिर कहा गया कि भाई आपस की मामला है, समाज में बैठ करके इसको मीटर को दोनों भाई इलाज पति करा करके क्लियर करवाइए। उन्हें उसके बाद प्रशासन की बार बार धमकी दे रहा था, तब लास्ट में इधर से जा करके उसके परसेंट का जो अथी है वो जा करके विकनेस बन करके उसको पटिशन दिया गया, और उसके बाद भी 307 ग्रीवियस लगने के बाद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। घर घर जा करके हम लोग चंदा करके परसेंट को इस स्थिति में ला करके रखे हैं कि आगे की इलाज आप कैसे हो वो आप चैनल के माध्यम तो प्रशासन से आप क्या प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन को ये कहते हैं कि अगला आदमी को गिरफ्तार किया जाए, हम लोग को यही समाज की मांग है कि अगला आदमी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि समाज बैठा इस पे कि दोनों भाई एक हैं, आपस में निपटारा क्लियर के लिए इलाज करवा करके, मगर अगला आदमी ने इस पे इनकार कर रहा है कि हमको जो होगा कोर्ट से फर्चिया लेंगे। क्या हुआ था भैया? यहाँ पे 3 भाई थे, ये इनका बड़े भाई जो इस्लाम थे उसका डेट हो गया, उनकी लड़की का शादी था, मिलाद शरीफ का प्रोग्राम था 24 तारीख को, 25 तारीख को बाराती आने का था, 24 को मिलाद ख़त्म हुए,
बाकी जितने गांव के समाज रिश्तेदार जितने भी आदमी आए थे वो सब चले गए, रिश्तेदार दो तीन लेडीज़ रह गए थे, वहाँ पे हम भी थे। यहाँ पे बोला कि बड़े भाई कमरुल ने बोला कि डीजे बजाने के लिए, छोटा भाई बोला कि एक भाई का तो मौत हो गया, ज़्यादा दिन नहीं 6 महीना हुआ है, भतीजी का शादी है, डीजे काहे के लिए बजाइएगा, तो हम बजाएंगे। यही मना करने के ऊपर उसने मार बैठा। उनका लड़का भी आए, 3 लड़का भी है उनका, उनकी परिवार था और वो थे, मिला के 5 आदमी। यहाँ पे वो अकेला था, पकड़ के एक बार मारा उनको, तो सभी जात से हाथ जोड़ के जैसे भी वो मंदिर में मस्जिद में अलाउंस करवा के भी चंदा किए। चंदा में 4 लाख रुपया चंदा ही से आया, 1.5 लाख रुपया उनका जमीन जो है 6 धूर उसको बेच के। अच्छा, जमीन भी बेचना पड़ा? जमीन भी बेच दिया। आप देख सकते हो उसका झोपड़ी वो है, वो जमीन को उसी को झोपड़ी को बेच कर पूरे समाज के आदमी ने चंदा लगाया। यही घटना है, रहने के लिए वहाँ पे 1 धूर भी जमीन बचा हुआ नहीं है। तो प्रशासन से आप क्या कह रहे हैं? प्रशासन से कह रहे हैं कि अगर उनको पूरा अगर उसका मुआवजा दिलवा दे तो समाज का आदमी कर देंगे, 2 भाई का ये है, और नहीं तो प्रशासन से योजना है कि उसको आप अंदर अरेस्ट कीजिए। मरीज की तस्वीर आप देख सकते हैं, किस स्थिति में मरीज है आप देख सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो आपके आंखों से भी आंसू निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कौन है आप? हम उनका फैमिली है। अच्छा, उनका भाई है, मार दिल के सिर पर शादी बिया में एक बच्चा था हमरे, छोटा छोटा बच्चा हमरे कोई ना। कितना बच्चा है? 5 बच्चा, एगो होने वाला है। कौन काम करते थे? मजदूरी का। मजदूरी का? हाँ, मजदूरी करके लाता था, छोटा छोटा बच्चा को खिलाता था, हमको कोई नहीं है। तो इनको जो मारे ये अपना सगा भाई थे? अपना भाई है, सहोदर। सहोदर भाई? हाँ, सहोदर भाई है। तो कोई बचाया नहीं? बचाया, तभी भी किंगार के मारा, गाची तक किंगार के मारा। तो ये बात उत करते हैं या नहीं? बात उत कुछ नहीं करता है, कुछ समझ में नहीं करता, न हाथ उठाता है न पैर उठाता, न इशारा करता, कुछ नहीं, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि उनकी फैमिली की स्थिति क्या है, गरीब मजदूर थे और उसके साथ इतना बड़ा जो है हादसा हुआ है। काफ़ी कहा जा सकता है कि गमगीन माहौल कहा जा सकता है, किसी को भी देख करके दिल दहल जाएगा। और वो एक ही आदमी थे कमाने वाले, 5 बच्चों का पालन पोषण करते थे, अपने बीवी वाले बच्चों का पालन पोषण करते थे, गरीब फैमिली से थे, एक छोटा मकान था वो भी उनका बिक चुका है, और ये स्थिति है कि खाने खाने के लिए मोहताज है, तो वो कहाँ से इलाज कराएंगे? कौन है आप उनके? हम उनका बेटा बाबू। आपका बेटा है? वो भी बेटा ही था? हाँ, वो भी बेटा। वो बिंदे का ना हाथ तोड़ दो आया, इतना पीछी पो। आपको भी मारा? हाँ, बाबू के देह पर रख सूतरा लेता, हमारे ऊपर से मारी सब, हमारा दामाद हमारे पीठ पर सुतले, वो का फोड़ दिल के कपार से, तो 14 गो टाँका है, कुछ आबो तो खेत के बिला दो मार हुए झटा सबके, हम गुंजी गए बाबू। तो आप देख सकते हैं माँ बचाने के लिए गई तो माँ पर भी टूट पड़ा। अब मैं आपको क्या बताऊं, इस स्थिति में बना हुआ घर, घर का माहौल बना हुआ, गांव समाज एक तरफ बना हुआ सपोर्ट में, ये बहुत अच्छी बात है कि गांव समाज की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जो आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, अगर आप इनको सपोर्ट करना चाहेंगे तो पूरे तरीका से अगर सपोर्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि इनका जो है अकाउंट नंबर वो दे दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से, और आप डायरेक्ट इनके अकाउंट में कुछ मदद की राशि अगर दे देंगे तो इनका भला हो जाएगा, इनके बाल बच्चों का भला हो जाएगा, इनके पति का भला हो जाएगा। तो मैं और क्या कहूँ, इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। आप भी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, ओके पकड़ा, ओके कहूँ, ओके अच्छा करेला, ओके बचा दा हमरे खाली। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, पुलिस से? पुलिस के कह रहे हैं कि उसके पर कड़ाई करिए, उसको ढिलाई काहे करते हैं, ढिलाई करे हुआ उसको इलाज विलाज नहीं करता है, उसको पकड़िए। जो हमारे चैनल पर जो देख रहा है लोग, वो आप क्या चाहते हैं उससे? हम उससे चाह रहे हैं कि उसको पकड़िए। आपको क्या चाहिए? हमको इसको इलाज चाहिए, मदद चाहिए, इसको अच्छा करिए, मदद चाहिए। हाँ, तो आप देख सकते हैं मदद की गुहार लगा रही है, और कैसे न लगावे, क्योंकि गरीब मजदूर थे, 5 बच्चों का पालन पोषण करते थे, और आपस में ऐसा झगड़ा हुआ कि ये 24 रोज से 1 महीना से लगभग वो बिस्तरा पर पड़े हुए हैं, ना कोई बात करते हैं, ना कोई किसी से मिलते हैं, ना कोई बात करते हैं। तो अभी आप देख रहे थे VOS 24 News। बहुत बहुत धन्यवाद।